वही शकुनी वाला हाल है, एक तरफ कृष्ण है तो एक तरफ शकुनी, तो हम किसकी सुनेंगे, जो चापलूसी ज्यादा करेगा शकुनी की बात। अर्जुन एक ही था ना जो लॉजिक वाली बात सुनता था, कृष्ण की बात। तो जब लेके चले तो कहते तुमने, मेरे पास नारायणी सेना नहीं है, मेरे पास सुदर्शन चक्र भी नहीं है, कि पार्थ फिर तुमने मेरे को क्यों चुन लिया। कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए, आपका सुदर्शन चक्र नहीं चाहिए, मुझे सारथी चाहिए जो मुझे रास्ता दिखाए, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं भटक जाऊँगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगा मेरे अपनों के साथ। उस समय मुझे सारथी की ज़रूरत है और आप जैसा सारथी कहाँ है। और सारा जो युद्ध था ना वो इसी बात के लिए था, अपने पराए को लेकर, ये कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, आत्मा अमर है, इसी के लिए हुआ था ना। तो ज़िंदगी में सारथी की बड़ी कीमत है और हर एस्ट्रोलॉजर आपका सारथी है, डिपेंड ऑन उसमें से आपने शकुनी को चुना है, कृष्ण को चुना है। शकुनी कौन हो गए जो अच्छा अच्छा बोलते रहते 24 घंटे, हाँ भाई चमत्कारी कर देंगे, आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देंगे। और कृष्ण क्या हो गए आपको सीधा बताएंगे, डिप्लोमेटिक उन्होंने बहुत कुछ कहा है क्योंकि वो रोहिणी नक्षत्र के भगवान हैं, लेकिन कई आपको बोलेंगे डिप्लोमेटिक बात भी नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे। युद्ध जीतना तो जीतना कैसे है, कलयुग के साथ चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्म नहीं होती। तो इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर किरण पावा। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ।